हेलो। हाँ भैया, यार ये फूड ब्लॉगर बनना है, क्या मेहनत करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? अरे भैया कुछ नहीं, उसने जब मक्खन डालना है ना तो आपने ऐसे खुश होना जैसे आपने 12वीं पास कर ली हो। अच्छा हाँ चल आ जा फिर। हेलो गाइस, मैं कोबरा ब्लॉगर, मैं आ जाया हूँ गोलगप्पे वाले के पास, और गोलगप्पे के वाले के पास तुम्हें को जाके रेसिपी दिखाऊंगा और सारा अच्छा मैं जमको जाके सारा बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं, कितने फेमस है गोलगप्पे, आए हम उनसे मिलते हैं। भैया कैसे हो? भैया मैं साहब बताओ कैसे? क्या बना रहे हो? कोकटेल बना रहा हूँ। और भैया काम तो आपका गोलगप्पे का है? तो भाई तेरे पास आंखें हैं तो तेरे को दिख रहा है मैं क्या बना रहा हूँ फिर का। अच्छा ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहे हो? आप बताओ, ये आपने पानी बना दिया? बना दिया मैंने। अच्छा इसमें अब क्या डालोगे आप? इसमें मैं रसना डालूंगा। तो ये अभी आपको बढ़िया सब बना के दिखाएंगे, गोलगप्पा का पानी बनाओ भैया, कुछ डालो इसमें ताकि हम अपने ऑडियंस को दिखा सकें। तो मैं डाल लेते हैं। अच्छा ये देखो भैया, अभी हम डालेंगे इसके अंदर काला नमक। ओके ओके। ओह माय गॉड, काला नमक डाल दिया हमने। ओ देखो ऑडियंस ऑडियंस, इन्होंने काला नमक डाल दिया। ओए होए होए, भैया फोन पकड़ के मेरे एक्सप्रेशन दिखा दो, नहीं तो सब्सक्राइबर नहीं आएंगे। देखो गाइस, ओह माय गॉड, इन्होंने काला नमक डाल दिया। ओह शिट मैन, ओबे तेरी शिट मैन, ओ हो, काला नमक मेरे को तो ऑर्गेजम आ गया। ओए होए होए, भैया मेरा ऑर्गेजम डबल हो जाता, मजा ही आ जाता, मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा बढ़ जाते अगर आप गोलगप्पे के पानी में मक्खन डाल देते। तुम्हारे अब्बा ने रेसिपी दी थी मेरे को है मक्खन वाली। सॉरी, मेरे पाप का घड़ा उस दिन भर जाता अगर मैं इस YouTube चैनल पर 2014 में वाइंस की जगह फूड ब्लॉगिंग पोस्ट करता, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली और मेरे को सही रास्ते पर डाल दिया। फूड ब्लॉगिंग जिसका मतलब है तुम्हें अपने आसपास की जगह के नए नए रेस्टोरेंट, नए नए खाने को एक्सप्लोर करना है और बाकी अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना है कि यहां का खाना बहुत अच्छा है, या डिफरेंशिएट करना है कि इस खाने में और इस खाने में क्या फर्क है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे फूड ब्लॉगर क्या कर रहे हैं, 1000 रुपया स्ट्रीट फूड चैलेंज फॉर 24 आवर्स, अल्फाबेटिकल फूड चैलेंज, मंचूरियन ईटिंग चैलेंज। अबे तुमको इतने चैलेंज देता कौन है? अबे इतने तो WWE में जॉन सीना को चैलेंज नहीं दिया किसी ने जितना तुमको दे देता। और कौन देता है तुमको? पहले तो उस बंदे से मिलवाओ जो इनको बार बार चैलेंज दे रहा है। तो आज इन वीडियो में उन्हीं कुछ क्रिंज ब्लॉगर्स की बात करेंगे, साथ में जो इनको डफते हैं, गंदे तरीके खाते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। इंट्रो लगानी है कि नहीं? नहीं नहीं रहने दे। ओके लगा दे यार। जूती कत्थे मेरी पैर। नहीं नहीं खाना बंद करो। क्या आपको गोलगप्पे पसंद है? भाई मुझे तो गोलगप्पे बहुत पसंद है। पूछा मैंने कुछ? So, आज मैं कितने गोलगप्पे खा सकती हूँ? Let's find out. डॉलर का 81 रुपीस से ज्यादा होने के बाद एक यही तो नेशनल इशू है कि प्रियंका जी कितने गोलगप्पे खाते हैं। हमें क्या करना है जान के, आप एक खाओ चाहे 1000 खाओ। चैलेंज में अकेले नहीं करने वाली हूँ, तो मेरे साथ इस चैलेंज में है समता सागर जी। हेलो। नहीं यार, हर फूड ब्लॉगर को इतनी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत है? इंट्रोड्यूस तो ऐसे करना है जैसे टॉम क्रूज गोलगप्पे खाने आ गया। ऑडियंस को क्या लेना देना तुम कितने गोलगप्पे खाते हो? तुम्हें तो तभी स्वाद आएगा ना जब अगला बंदा बगल में से हाथ मार के गोलगप्पे के पानी में डुबोए। एक और जगह है तुम्हें पता है, मैं कर नहीं सकता क्योंकि YouTube येलो डॉलर कर देगा। समझ तो गई होगी। लाला जी की दुकान जहाँ पे सजे हुए हजारों की तादाद में गोलगप्पे, वैसे समता जी इतने तो आप खाई लेंगे बहुत आराम से। बहुत आराम से? और क्या? अरे अच्छा मतलब ओवर एक्टिंग कर लो, इसी के तो पैसे मिलते हैं। और लाला जी ने जिस हाथ में ग्लव्स पहने ना, उसी उंगली से पहले नाक में से मंचूरियन निकाल के 3 घंटे उसको ऐसे ऐसे किया है। वैसे अभी हम जब फूड ब्लॉगिंग करने बाहर गए थे तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है, जरा वो भी देख लो। अरे क्या करे जा रहा है भाई इतनी देर से फोन में? ओ भाई पैसा कमा रहा हूँ ताकि रात की जब गेड़ी मारने जाएं तो बढ़िया बढ़िया खाना खा लें। कल भी मैंने 10,000 रुपए लगा के 30,000 रुपए कमाए हैं 2 घंटे में। भाई ये कौन सी ऐप है मेरे को भी बता। ये है वन विन ऐप, अगर मेरा प्रोमो कोड तू यूज करेगा तो तेरे को 500% डिपॉजिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल 100 रुपए अगर डिपॉजिट कराता है तो 500 मिलेगा खेलने के लिए। क्या बात है भाई, बता तो सही क्या खेलता है ये देख। और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए एक अलग सरप्राइज है, जो पहले 50 लोग है मेरा प्रोमो कोड यूज करके अगर वो रजिस्टर करते हैं तो उनको डिपॉजिट पर 50 रुपए एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाकर अभी रजिस्टर करो। मैं भी करता हूँ भाई, रुक जा तू करना आ जा। अरे ये तो पियानो पिज़्ज़ा। तो ये क्या है? तबला कुकीज़।
हारमोनियम वैसली बांसुरी एसी रिमोट हाफ बॉइल्ड औरत। ये फूड ब्लॉगिंग और एक्टिंग बाद में कर लेना, पहले जाके अपनी 10वीं कंप्लीट कर लो। तुम्हारे ला पियानो से पता लग रहा तुमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से 10वीं की है। ला पियानो पिज्जा, वैसे तो मजा ही आ जाएगा, सुबह बर्गर खाया दोपहर को पिज्जा। आंटी मिर्च वाली टट्टियां लग जाएंगी। एक तो इनको पैसा कौन देता है इतना यार, इनके घर वाले हम तो 10 रुपए का कुरकुरे ले हैं, बाप हमारा ऐसे देखने बैठ जाता है। तुमको इतने पैसे मिलते कहां से कि तुम बार बार रेस्टोरेंट में जाके इतना महंगा महंगा खाना लेके उसके बारे में बताते हो। अगर मैं नहीं बना मेरे से ला पियानो निकल जाता, तुम तो वैसे ही खा जाते मेरे को। ला पियानो पिज़्ज़ा दे गिटार बर्गर। फ्रेंड बहुत बुरे लग रहे हो। मुझे 26 अल्फाबेट्स है ना, मुझे इनमें से सारा का सारा खाना खाना है। यही हाल के सबसे पहले ढूंढते हैं ए बी सी डी कि मैं क्या खाऊंगी। कृपया करके 2 नींद की गोलियां खाओ ताकि हम पे अत्याचार बंद हो। इनके पास जब रेस्टोरेंट नहीं ना बचते, जब कोई ढाबा नहीं बचता, आसपास कोई स्ट्रीट फूड नहीं बचता, तो क्या करते हैं चैलेंजेस। आज मैं 1000 रुपए में खाऊंगी। अबे 1000 रुपए में 36 लोग खा लेते हैं एक दिन में। भाई हम इस टाइम गाजियाबाद में आरडीसी के दही बल्ले खाने आए हैं, जिनका आप दही चेक करें कितना ज्यादा क्रीमी है, कितना गाढ़ा है भाई। एंड लेट मी टेल यू, ये वही ड्रम है जिसमें केमिकल्स और फेविकॉल आती है। अब बात करते हैं वीडियो में हम वेकेंड बाइट के बारे में। ये एक यूट्यूब चैनल है, एक इंस्टाग्राम पेज है जिसपे बहुत सारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स है। ये बेसिकली 2 भाई है जो की तरह खाते हैं। एक आम व्यक्ति चम्मच से राइस को उठाता है और हल्के से सोफिस्टिकेटेड तरीके से खाता है, लेकिन ये दोनों भाई ऐसे नहीं करते। स्टॉप वॉच लगाते हैं फोन में और दोनों हाथों से चावल को इस प्रकार से पकड़ के मुंह में ठूसते हैं। जुत्ती कितने मेरी पैर। 2-1 go। अब इंसान के बच्चे बनो, एक एक करके गोलगप्पा खा लो, सारे छह छह खा के तुम्हें फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिलने वाला। अगर मिलेगा भी ना तो एक ही अवार्ड मिलेगा। अवार्ड जी आदत है, इसकी आदत पड़ चुकी है। जैसे एक आदत होती है ना कि अगर ये ना दिखे तो फिर मुझे प्रॉब्लम होती है। ये इकलौते भाई नहीं है जो ऐसा करते हैं, जो इस तरह जंगलियों की तरह खाते हैं 10 लोगों का खाना। ये बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं जो अपने आप को क्रिएटर्स समझते हैं और ऐसे जंगलियों की तरह कुत्तों की तरह खाते हैं, लेकिन उनकी बात तो हम इस वीडियो में कतई नहीं करने वाले। लेकिन ये जो भाई है ना, इनके माता पिता भी इस प्रकार से ही खाते हैं और वीडियो बनाते हैं। यार तुमको उल्टी नहीं आती? और 1.5 साल हो गए यहाँ तक पहुंचे हुए। मेरे हिसाब से तो पिछले 1.5 साल से इन्होंने अपना नुनू ही नहीं देखा, बीच में पेट जो आ जाता है। हाँ ये वही चीज है जो तुम सोच रहे हो, ये फुल एक बकरा है जिसको पका के ये बंदा खा रहा है। और शुरू भी कहां से किया है? टेस्टिकल से। ठीक है भैया जी, तुम्हें आज के बाद हम ताजा बोलेंगे। अगर इसके किसी भी फैन ने मेरे कमेंट सेक्शन में आकर कुछ भी बकवास की ना, मैं यहीं बैठा बैठा खा जाऊंगा तुम्हें। 7 आदमियों का खाना इकलौता ये बंदा खाता है, वो भी जंगलियों की तरह कुत्तों की तरह। और तब भी इसके रील के कमेंट सेक्शन में ये हो रहा होता है कि भाई वेरी गुड, आई लव्ड योर रील, आई लव्ड योर वीडियो। यार तुसी पागल हो, पागल हो। ये क्या है? काला नमक। अच्छा बस आ गया काला नमक, यही तो इनकी स्पेशलिटी होती है फूड ब्लॉगर्स की, कि मक्खन या काला नमक ये डाल दिया, ये मक्खन डाल दिया, ओ माय गॉड मक्खन डाल दिया, ये काला नमक डाल दिया, ओ माय गॉड। और इतने गंदे गोलगप्पे, इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि अनहाइजीनिक, सबसे अनहाइजीनिक इंडिया में गोलगप्पे इनके, और फिर भी ब्लॉग बना रहे हैं। वो बंदा नाक के चूहे निकाल के, बगल की मैल निकाल के, नीचे का पसीना निकाल के, तीनों मिक्स करके उसमें हाथ डाल के गोल गोल घुमा के तुम लोगों को खिला रहे हैं। अभी तो एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें टोई खुजा खुजा के बाद में गोलगप्पे खिला रहा था। ओए ओए क्या स्वाद था, है ना? मुझे बिल्कुल नहीं पता करना ये क्या है, कौन सी मिर्च है, क्या है क्या नहीं, लेकिन जिस प्रकार से अंकल ने घट 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 किया ना, शरीर के जितने छेद है उनमें से कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। एनीवेज सो वी आर ट्राइंग दिस स्वीट बन स्टफ्ड वनीला आइसक्रीम। क्रीम डाली, फिर थोड़ा बटर डाल के इसको सिर्फ 30 सेकंड सेकना है, एंड दिस इज सच एन अमेजिंग डेजर्ट। मतलब इन मोहतरमा का नाम है सौ सौते, इन्होंने अपने चैनल का नाम ये रखा है। इनका रियल नेम पता नहीं अंजलि है कि क्या है, इन्होंने अपने चैनल का नाम रखा सौ सौते। और वहां पे मैडम जी एक्सपेरिमेंट्स करती हैं। अब ये जो मीठा बंद होता है जिसके अंदर आइसक्रीम डाल के ऊपर मक्खन डाल के गरम करके वो खाया जा रहा है। जुत्ती कितने। बचपन में आप लोग ऐसा करते थे, मतलब जो फेविकॉल आती थी उसको हाथ पे लगा के चिपका देते थे, एंड देन उसको एक ही पूरे स्ट्रेच में पील ऑफ करने की कोशिश करते, मतलब मैं तो बहुत ज्यादा करती थी। नहीं बचपन में हमने ये फुद्दू हरकतें कभी नहीं की और अभी आगे जाकर भी कभी नहीं करेंगे। तुम्हारा बचपन पता नहीं कैसा निकला कि फेविकॉल के साथ ही खेलती रही हो। अच्छा एनीवेज दिस इज बेसिकली अ हैक, मतलब मैंने देखा था कि पहले तो आपकी जब फेवी स्टिक खत्म हो जाए तो उसको अच्छे से साफ कर लो, फिर बटर डाल के सेट होने के लिए रख दो, और उसके बाद यू कैन यूज इट एज अ बटर स्टिक, मतलब अपने ब्रेड पे बटर वगैरह लगाने के लिए, एंड दिस
दिस हैक डेफिनेटली वर्क। यार ये हैक के बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज बोलूंगा, अंजलि जी कृपया नहा के वीडियो बनाया करें। दूसरी बात, नेल पॉलिश या तो अच्छे से लगा लें या अच्छे से उतार दें। ये बीच भड़का वाला जो काम होता है ना, बीच में मैल फंसी होती है और तुम जब खाना बनाते हो ना उसी में चला जाता है। ऐसी लड़कियां होती है, नाखून में अगर आलू फंस जाए ना उसको पिचका के बाहर निकाल के चाट जाती है। फूड ब्लॉगर। ओके, तो आज हम एक और फ्यूजन बनाने वाले हैं वेगन में, कोरियन डोसा, मतलब सॉर्ट ऑफ। तो ठीक है, मैंने डोसा बैटर लिया और उसके बाद मैंने लिया शिन रामन की जो स्टर फ्राई रामन है, एंड इट्स एब्सोल्युटली माय फेवरेट रामन बन जाता हो। आई रियली विश ऐसी कोई इन्वेंशन बन जाए डोसे के अंदर रामन। निब्बी जी, ओरियो और मैगी के साथ आगे कम अत्याचार हो रहे हैं जो अब डोसे के साथ शुरू हो गए हो। फूड व्लॉगिंग करनी है ना, रेस्टोरेंट में जाओ, ढाबे में जाओ, एक्सप्लोर करो, नया खाना एक्सप्लोर करो, अपनी ऑडियंस को बताओ। ये दो चीजों को मिला के फ्यूजन करके उनका बच्चा दिखा के क्या मिलता है तुम्हें। तो बस भाई, आज के लिए वीडियो इतनी ही। मजा आया हो वीडियो में तो कृपया करके लाइक ठोक दें। पिछली वीडियो तो येलो होगी, ये ना हो जाए कृपया। तो 25,000 लाइक अगर आ गए, एम करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मैं समझ जाऊंगा तुमको वीडियो पसंद आई। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं ना कृपया करके, वहां पे भी रील्स वगैरह डाल रहे हैं मैं और मेरा बेटा। तो ठीक है, मिलते हैं।